आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिग्रस शहर में इन दिनों आगामी स्वतंत्रता दिवस को भारी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार 13 अगस्त को दिग्रस शहर में तिरंगा उत्सव समिति ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसकी स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता तथा दिग्रस शहर और तहसील के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर समर्थन मिला है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर में इन दिनों आजादी का जश्न एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ न सिर्फ जोरों शोरों से आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन की तैयारियों को लेकर लोगों में उत्साह है, बल्कि तिरंगा रैलियों का आयोजन कर आजादी का अमृत महोत्सव अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को तिरंगा उत्सव समिति की ओर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय नेतागण, कार्यकर्ता, पूर्व नगर सेवकों सहित सभी स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी, शिक्षक, महिलाएं, विभिन्न संगठनों सहित दिग्रस शहर और दिग्रस परिसर की नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान न सिर्फ तिरंगा रैली के आयोजकों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, बल्कि इस रैली में भारत माता की जय के नारे लगाते विद्यार्थियों का उत्साह भी देखने लायक था। उत्सव रैली च आयोजन या ठिकाणी आम्ही सर्व दिग्रस, सर्व संस्था चालक, सर्व स्टूडेंट, सर्व गावकरी, सर्व पत्रकार बांधव मिळून या ठिकाणी दिग्रसच्या इतिहासामध्ये या ठिकाणी आपण सर्वजण एकत्र येऊन या तिरंगा रॅलीचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। मी मनापासून आमच्या सर्व मंडळींना या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। या तिरंगा रॅलीचं आयोजनामध्ये आपल्या सर्वांनी सहभाग दर्शवला, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। शहर के छत्रपती शिवाजी महाराज चौक से निकली इस तिरंगा रैली में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, हर कोई तिरंगे के रंग में डूबा नजर आया। कई स्कूलों की छात्राओं ने भी महापुरुषों और वीरांगनाओं की वेशभूषा परिधान कर आजादी के पर्व को शोभा प्रदान की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तिरंगा रैली में न सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह शामिल था, बल्कि इस रैली में हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने इकट्ठा आकर दिग्रस शहर की एकता, अखंडता, भाईचारे और देश प्रेम की तस्वीर को भी हकीकत में साकार किया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।